हाय फ्रेंड्स, तो चलिए बनाते हैं आलू और पोहे की टिक्की की चटपटी सी रेसिपी। ये बहुत ही क्रिस्पी होती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। आप इसे स्नैक्स की तरह भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने पोहा ले लिया है, इसे हम अच्छी तरीके से वॉश करके फूलने के लिए रख देंगे। तो देखिए, मैंने इसे एक से दो बार अच्छे से वॉश कर लिया, इसे हम फूलने के लिए रख देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है आलू। आलू को मैंने अच्छी तरीके से मैश करके लिया है। इसके बाद जो हमने पोहा लिया था उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। फिर इसके बाद थोड़ा सा मसाला, जैसे गरम मसाला, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा मिर्च पाउडर, और आपको कोई और भी मसाले पसंद है जैसे अमचूर उमचूर तो आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी हमने ले ली है काली मिर्च और थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी हरी धनिया स्प्रिंकल करेंगे और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे हम टिक्की का शेप दे देंगे। आपको जैसा शेप बड़ा या छोटा पसंद हो आप उस हिसाब से शेप दे सकते हैं। तो देखिए, ये तो रेडी हो गया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसकी हम स्लरी बना लेंगे। पानी ऐड करके इसका घोल तैयार कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड किया, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। अब इसे हम टिक्की को इसमें ऐड करेंगे और इसके बाद इसे हम ब्रेड क्रम्स में डाल के इसे फ्राई करने के लिए ले चलते हैं। तेल हमारा अच्छी तरीके से गरम होना चाहिए। तो देखिए, अब यहाँ पे मैं टिक्की इसमें ऐड कर रही हूँ। तेल हमारा अच्छे से गरम है। 1.5 से 2 मिनट के बाद हम अपनी टिक्की को पलट लेंगे। तो देखिए, हमारी जो टिक्की एक तरफ से कितनी अच्छी ब्राउन हो गई है और क्रिस्पी भी लग रही है। फिर हम इसे पलट देंगे 1.5 से 2 मिनट बाद और इसे निकाल लेंगे। तो देखिए, ये एकदम रेडी है। आप इसे चाय के साथ या किसी भी गेस्ट के साथ इंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में फिर किसी नई वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय।